नमस्ते बच्चों, आज हम लाइट के रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पुराने वीडियो में देखा, लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलती है, और जब कोई ओपेक वस्तु लाइट के रास्ते में आ जाती है, तब उस वस्तु की शैडो बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट के रास्ते को बदलना मुमकिन है? चलिए पता लगाते हैं। हम सब अपने चेहरे को देखने के लिए मिरर या दर्पण या आईना का उपयोग करते हैं। मिरर में जो चेहरा दिखता है, उसे प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। आईना ही नहीं, कभी-कभी साफ पानी या कोई चमकीली स्टील की प्लेट में भी हम अपनी इमेज देख सकते हैं। तो यदि किसी वस्तु की सतह, चाहे वह वस्तु ट्रांसपेरेंट हो या ओपेक, समतल हो या चिकनी, उस पर हमारी इमेज बन सकती है। कोई भी चिकनी और चमकीली सतह मिरर की तरह कार्य करती है। क्या आप जानते हैं कि जब किसी चिकनी और चमकीली सतह या कहिए मिरर पर जब लाइट पड़ती है, तब क्या होता है? चलिए पता लगाते हैं। एक बच्चा कमरे के एक कोने में अपने हाथ में मिरर लेके खड़ा होगा और दूसरा बच्चा कमरे के दूसरे कोने में खड़ा होगा और एक तीसरा बच्चा एक टॉर्च लेता है और टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक देता है और फिर टॉर्च को चालू करता है। अब उस तीसरे बच्चे की उंगलियों के बीच में से थोड़ी सी जगह में से लाइट एक बीम की तरह, एक पतली बीम की तरह निकल के गुजर जाती है। अब उस टॉर्च की लाइट की बीम जब मिरर पर पड़ती है, तो हम क्या देखते हैं? लाइट का एक पैच दूसरी तरफ भी नजर आ रहा है। अब जो तीसरा बच्चा है, अपने टॉर्च को थोड़ा इधर उधर घुमाता है ताकि लाइट का वह पैच जो बच्चा दीवार के दूसरी तरफ खड़ा है नीले रंग का, उस पर गिरे। ये करना पॉसिबल है? बिल्कुल। तो हम इससे क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मिरर अपने ऊपर आने वाली लाइट की दिशा को बदल देता है। ना सिर्फ मिरर, कोई भी अन्य चिकनी और चमकीली सतह जैसे स्टेनलेस स्टील की प्लेट लाइट की दिशा को बदल सकते हैं। मिरर के द्वारा इस प्रकार लाइट की दिशा के बदलने को या लाइट का किसी चमकीली वस्तु से टकराकर वापस लौटने को लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हम जो इमेज मिरर में देखते हैं, उसे भी रिफ्लेक्शन कहा जाता है। हम अपनी इमेज या रिफ्लेक्शन साफ पानी में भी देख सकते हैं, इसलिए पानी की सतह भी मिरर की तरह ही कार्य करती है और लाइट की दिशा बदल सकती है। जैसे कि हमने कहानी में देखा था, सोना ने चमकीली सतह वाले खिलौने को लेकर लाल रंग का राक्षस बनाया था जो कि रिफ्लेक्शन था। कितनी बढ़िया तरकीब थी ना? चोर तो भाग गए थे। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि जब लाइट एकदम चिकनी सतह जैसे कि मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, तब जो इमेज हमें मिलती है वह बिल्कुल स्पष्ट होती है, लेकिन लाइट किसी असमतल या खुरदरी या रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, तब हमें इमेज अस्पष्ट दिखाई देती है। चलिए मिरर को गौर से देखते हैं। मिरर एकदम समतल दिखता है, पर उस पर भी बम्स या असमतल या खुरदरी सतह होती है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो ये पाते कि हर सतह पर बम्स होते हैं। मिरर की तरह एकदम चिकनी सतह वाले चीजों पर छोटे आकार के बम्स होते हैं, जबकि रफ सतह पर बड़े बम्स होते हैं। तो इन बम्स या असमतल या खुरदरी पार्ट का क्या काम होता है? चिकनी सतह पर बहुत ही छोटे या दिखाई न देने वाले बम्स होते हैं, इसलिए जब इन पर लाइट पड़ती है, तो ये लाइट को
उसी एंगल में वापस लौटा देते हैं या रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए हम वस्तु की स्पष्ट इमेज देख पाते हैं। वस्तुएं जो चमकदार होती है, जैसे स्टील का बर्तन या मिरर, लाइट को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और अब रफ सतह की बात करते हैं। जब लाइट किसी बम्प्स वाली रफ सतह पर पड़ती है, तब यह उससे टकराकर अलग अलग दिशा में जाकर फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब हम जो रिफ्लेक्शन देखते हैं वह अस्पष्ट और होता है। इसी तरह के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे आसपास की अधिकांश वस्तुओं को देखने में यही रिफ्लेक्शन हमारी मदद करता है, क्योंकि सामान्यतः कोई भी वस्तु एकदम सपाट नहीं होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस मिरर की सतह एकदम सपाट नहीं होती, उसमें स्पष्ट इमेज क्यों नहीं बन पाती। क्योंकि लाइट अलग अलग एंगल्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए जो इमेज बनती है वह स्पष्ट नहीं होती। सतह जितनी रफ या खुरदरी होती है, इमेज उतनी ही अस्पष्ट और धुंधली दिखाई देती है। मिरर या दर्पण वास्तव में है क्या? क्या हम एक साधारण मिरर बना सकते हैं? हाँ, असल में यह एक सामान्यतः कांच होता है जो सिल्वर प्लेटेड होता है। सामान्यतः कांच की सतह सपाट होती है, सिल्वर कोटिंग इसे चमकदार बना देती है। अब मिरर में से जो लाइट गुजरती है उसे कैसे रोका जा सकता है? सिल्वर कोटिंग के पीछे लाल रंग भी होता है, यह सिल्वर कोटिंग को खराब होने से बचाता है। है ना मजेदार? संक्षिप्त में, अब हम जान गए हैं कि लाइट की दिशा को कैसे बदला जा सकता है और रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब क्या होता है। लाइट एक सीधी रेखा में चलती है और मिरर अपनी ऊपर पड़ने वाली लाइट की दिशा को बदल देता है। मिरर के द्वारा इस प्रकार की लाइट की दिशा परिवर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। कोई भी सपाट या चमकीली सतह रिफ्लेक्शन कर सकती है, जैसे कि पानी भी। जब रिफ्लेक्शन किसी रफ सतह से होता है, तब जो इमेज बनती है वह अस्पष्ट होती है, क्योंकि लाइट अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अंत में भूलना नहीं, एक सामान्य मिरर एक कांच ही होता है, जिसे चमकदार बनाने के लिए पीछे एक सिल्वर प्लेट लगाई जाती है। तो अब जब भी आप मिरर में अपनी फोटो देखिए, याद रखिए रिफ्लेक्शन कैसे होता है। बाय बाय बच्चों।